हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले कुछ लेटर्स हैं, उनकी एग्जांपल्स आपको दी जा रही है कि किस तरीके से लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। सो पहला है, डियर मिस्टर नईम, इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट ऑफ रिसेंट डेट इन विच यू एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द डैमेज मर्चेंडाइज यू रिसीव्ड ऑन May 18, I have reviewed your case and reached the decision that full restitution should be made to you sincerely. So ये letter जो है वो inform कर रहा है Mr. Naeem को कि जो concern उन्होंने raise किया था damage merchandise जो उनको receive हुई 18 मई को, वो review किया गया है और जो decision लिया गया है उसके मुताबिक full restitution दी जाएगी उनको, यानी कि पूरा मुआवजा उनको दिया जाएगा। और उसके बाद है फिर के जो दूसरा लेटर है वो है कि डियर कस्टमर, नाउ इज़ द टाइम दैट टाइम व्हेन ऑल स्मार्ट शॉपर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मनी स्पेशल मनी सेविंग बाइज एट ब्राइट व्हाइल अवर बैक टू बैक सेल इज इन प्रोग्रेस। स्कूल विल बी स्टार्टिंग सून एंड क्राउड्स ऑफ शॉपर्स आर ट्राइंग टू बाई देयर चिल्ड्रंस क्लोथ। Why not come in now while we offer the lowest prices of the year and a pleasant shopping atmosphere sincerely? अब ये जो लेटर है ये प्रमोट कर रहा है एक बैक टू बैक बैक टू स्कूल सेल जो है ब्राइट के ऊपर, और इनकरेज कर रहा है कस्टमर को कि वो एडवांटेज लें स्पेशल मनी सेविंग बाइज का इससे पहले कि स्कूल सीजन स्टार्ट हो जाए। और लेटर एम्फेसाइज इस पर भी कर रहा है कि जो प्लीजेंट शॉपिंग एटमॉस्फेयर है और अपॉर्चुनिटी है अवॉइड करने की शॉपर्स का क्राउड जो कि कोशिश कर रहे हैं बाई करना अपने चिल्ड्रंस के क्लॉथ्स। और उसके बाद जो लेटर है वो है, डियर मिस्टर तारिक, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट वी आर कम्प्लीटली बुकड अप फॉर द वीक ऑफ अगस्त 2022। वी हैव नो रूम्स अवेलेबल बिकॉज द वर्ल्ड प्रोसेसर एसोसिएशन विल बी होल्डिंग देयर कन्वेंशन एट अवर होटल ड्यूरिंग द वीक ऑफ अगस्त 2022। एज यू विल श्योरली अंडरस्टैंड वी हैव टू रिजर्व एज मेनी रूम्स एज पॉसिबल फॉर मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। इफ यू कांट चेंज द डेट ऑफ योर ट्रिप मे बी यू कुड फाइंड द डबल रूम विद बार दैट यू वांट एट अनदर होटल हेयर इन मरी, कॉर्डियली। सो अब ये जो लेटर है ये इन्फॉर्म कर रहा है मिस्टर तारिक को कि होटल जो है वो कम्प्लीटली बुक हो चुका है जो अगस्त 22 का वीक है, क्योंकि वर्ल्ड प्रोसेसर एसोसिएशन जो है वो होल्ड कर रही है वहाँ पर अपनी कन्वेंशन, और होटल जो है वो रिजर्व कर रहा है जितने रूम पॉसिबल हो सके मेंबर्स के लिए एसोसिएशन के। लेटर है वो सजेस्ट कर रहा है मिस्टर तारिक को कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है ढूंढने की डबल रूम बात के साथ दूसरे होटल में मरी में, अगर वो चेंज ना कर सकें डेट जो है अपनी ट्रिप की। उसके बाद है फिर, डियर मिस्टर आसिफ, विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर ऑफ फॉर आवर 35mm कैमरा, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर चेक एंड आर रिटर्निंग द सेम। आई बैक टू इन्फॉर्म यू डैट एज अ मैनुफैक्चरर आवर कंपनी सेल्स कैमराज टू डीलर ओनली एंड इन कंप्लायंस विद अवर होलसेल एग्रीमेंट्स वी डीम इट बेस्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस विद प्राइवेट कंज्यूमर्स। फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर आर मेनी रिटेलर्स इन योर विसिनिटी हु कैरीज कैमराज अटैच्ड, प्लीज फाइंड अ लिस्ट ऑफ सेड डीलर होपिंग यू अंडरस्टैंड। सो अब ये जो लेटर है ये इन्फॉर्म कर रहा है मिस्टर आसिफ को कि कंपनी जो है वो रिटर्न कर रही है उनका चेक जो कि उन्होंने ऑर्डर किया था 35mm कैमरा का, और कंपनी जो है वो एज अ मैन्युफैक्चरर के तौर पे सिर्फ कैमरा जो है वो सेल करते हैं डीलर्स को जो भी उनका होलसेल एग्रीमेंट है उसके मुताबिक, और वो डायरेक्ट नहीं सेल करते प्राइवेट कंज्यूमर्स को। सो लेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत से रिटेलर्स अवेलेबल हैं मिस्टर आसिफ की विसिनिटी में जो कैरी करते हैं कैमरा, और प्रोवाइड किया जाता है लिस्ट जो है डीलर्स की। सो लेटर जो है वो एंड किया जाता है इस होप से कि मिस्टर आसिफ जो है वो अंडरस्टैंड करें। उसके बाद फिर, डियर मिस्टर अली, वी हैव रिसीव योर ऑर्डर फॉर आर 35mm कैमरा बट अनफॉर्चुनेटली मस्ट रिटर्न योर चेक एज अ मैन्युफैक्चरर वी सेल कैमरा ओनली टू डीलर्स विद होम we have a very explicit wholesale agreements. Nevertheless, we sincerely appreciate your interest in our product. We are therefore enclosing a list of retailers in your community who carry a full line of our cameras. Any one of them will be happy to serve you sincerely. So, अब ये जो letter है ये company जो है वो inform करती है Mr. Ali को के वो sale नहीं कर सकते camera उनको directly, क्योंकि वो sale करते हैं dealers को सिर्फ, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है प्रोडक्ट के अंदर और उनको प्रोवाइड किया जा रहा है लिस्ट जो है रिटेलर की उनकी कम्युनिटी के अंदर जो सेल करते हैं कैमरा, और उनका चेक जो है रिटर्न किया। सो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी वर्ल्ड का, आज की इस वर्ल्ड का,
और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होना एक प्राइस क्वालिटी है सक्सेसफुल बिजनेस पीपल के लिए। सो कम्युनिकेट करना इजिली और इफेक्टिवली अपने रीडर्स के साथ आपको अप्लाई करना चाहिए 7 C's प्रिंसिपल: क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टिजी और कंप्लीटनेस। सो क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लैरिटी जो होती है कम्युनिकेशन के अंदर, इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है प्रिसाइज, कंक्रीट और फैमिलियर वर्ड कन्वे करने के लिए जो इंटेंट मीनिंग होते हैं रीडर्स को। और ये भी ज़रूरी होता है कि एक स्ट्राइक रखा जाए बैलेंस प्रिसाइज और फैमिलियर लैंग्वेज के दरमियान, ताकि इफेक्टिवली जो है वो मैसेज जो है पहुँचाया जा सके। और ये किया जा सकता है चूज़ करते हुए राइट वर्ड्स को जो कि एक्यूरेटली कन्वे करें इंटेंडेड मीनिंग्स। फैमिलियर वर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो कन्वर्सेशनल होते हैं और हेल्प कर सकते हैं इंश्योर करना क्लैरिटी जो है कम्युनिकेशन के अंदर। सो अब आपके सामने कुछ वर्ड्स की यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल वर्ड। अब जैसे कि अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो है कॉम्प्लेक्स वर्ड है जबकि सिंपल वर्ड है। मैनी पीपल, अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी है, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है जबकि अलाउज जो है वो सिंपल वर्ड है। और कॉन्साइज वर्ड्स के अंदर अगर हम देखें सो कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है वो अराइव एट द कंक्लूजन, जबकि कॉन्साइज वर्ड जो है कंक्लूडेड है। और एट अ लेटर डेट, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है जबकि लेटर जो है वो कॉन्साइज वर्ड है। सो क्लैरिटी के लिए क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए जो रेपिटेटिव वर्ड्स होते हैं। अब आपके सामने नीचे जो आइटैलिक वर्ड्स दिखाई जा रहे हैं ये अननेसेसरी और इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो जो बात बताई जा चुकी है उसी चीज़ को दोबारा बता रहे हैं। सो एक तरह से रिपीटिशन है। अब एब्सोल्युटली फ्री में एब्सोल्युटली की ज़रूरत नहीं है, फ्री काफ़ी है। इसी तरह से एटिकेट एनएफ में एटिकेट एनएफ की ज़रूरत नहीं है, और एस टू वेदर में एस टू की नहीं है, एट अबाउट में एट की नहीं है, अटैच्ड हेयर टू में हेयर टू की नहीं है, मीट टुगेदर में मीट की नहीं है, ओवर विद में विद की नहीं है, पास एक्सपीरियंस में पास की नहीं है, पर्सनल ओपिनियन में पर्सनल की नहीं है, और क्वाइट में क्वाइट यूनिक में क्वाइट की नहीं है। सो ये जितने भी आइटैलिक वर्ड्स आपको बताए गए हैं, ये तमाम वर्ड्स जो है इनकी ज़रूरत नहीं होती। इनको आप लिखेंगे तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो रीडर है आपका उसका भी टाइम वेस्ट होगा। और कुछ ट्राइट एक्सप्रेशन हैं जिनकी जगह आपको कन्वर्सेशनल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि एक्नॉलेज द रिसीप ऑफ की जगह थैंक यू फॉर, एग्रेबल विद योर डिज़ायर इन द मैटर की जगह एस यू सजेस्ट, आर इन रिसीप ऑफ की जगह हैव। सो कन्वर्सेशनल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए ट्राइट एक्सप्रेशन की जगह। उसके बाद फिर क्लिचेस। अब क्लिचेस जो है वो ओवर यूज एक्सप्रेशन या फ्रेज हैं जो कि लॉस कर चुके हैं अपने ओरिजिनल इम्पैक्ट और मीनिंग, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ और रेपिटेशन की वजह से, रेपिटेटिव यूज़ की वजह से। सो कुछ आपको नीचे बताया जा रहा है कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये जो है क्लिच है, इसका मतलब ये क्या है कि इफ़ एवरी थिंग इज़ इक्वल और एवरी थिंग इज़ द सेम, अगर हर चीज़ जो है वो इक्वल है या सेम है, देन वन थिंग इज़ लाइकली टू हैपन। और उसके बाद फिर ब्रेक द आइस, ये जो क्लिच है यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए एक जो है इनिशिएशन का, एक कन्वर्सेशन का या रिलेशनशिप किसी ऐसे के साथ जो कि स्ट्रेंजर है या अनफेमिलियर है। उसके बाद है बिजनेस एज यूजुअल, ये क्लिच जो है यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए एक सिचुएशन जहाँ पर चीज़ें जो है वो हो रही हैं एज द नॉर्मली डू, बगैर किसी सिग्निफिकेंट चेंजेस या डिसरप्शन के। और उसके बाद है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये क्लिच जो यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए समथिंग दैट इज़ हैपनिंग और चेंजिंग रैपिडली, कोई चीज़ जो है वो हो रही है या चेंज हो रही है रैपिडली या फिर सिग्निफिकेंट वे में। और उसके बाद है बाय रूल्स ऑफ थंब, ये जो है डिस्क्राइब करता है एक जनरल प्रिंसिपल या गाइडलाइन जो कि नहीं है प्रिसाइज या फिर साइंटिफिक। सो क्लैरिटी जो है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। सो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे आपको बताई गई हैं। पहली है लेंथ। सो लेंथ जो है यानी कि एक क्लियर सेंटेंस जो है वो एक अप्रोप्राइट लेंथ का होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा। और उसके बाद फिर यूनिटी। सो क्लियर सेंटेंस को जो है वो एक्सप्रेस करना चाहिए सिर्फ एक ही आइडिया या कॉन्सेप्ट। और अगर सेंटेंस के अंदर मल्टीपल आइडियाज़ होंगे सो ये जो है कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होगा। और उसके बाद है फिर कोहेरेंस। सो एक क्लियर सेंटेंस को कोहेरेंट और लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और उसके बाद है फिर वेग, वेग यानी कि क्लियर ना होना। अब वेग के अंदर जो है वो ये है, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव वी कैन एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम यू। और क्लियर के अंदर बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव यू कैन श्योरली हेल्प अस।
और एम्फेसिस के अंदर लिटिल एम्फेसिस है, द ऑर्डर वॉज रिसीव्ड एंड द मैनेजर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, और बेटर एम्फेसिस में एज द ऑर्डर वॉज रिसीव द मैनेजर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस स्लाइड को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।